धोलेरा स्मार्ट सिटी के ग्रोथ में, धोलेरा स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट में एक्सप्रेस हाईवे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं धोलेरा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे की बात करूं, जो ऑलरेडी 35% कंप्लीट होने को आ चुका है और 2024 इसका डेडलाइन है, मतलब ये कि 2024 तक एक्सप्रेस हाईवे रेडी हो चुका होगा, जो कि DMIC का पार्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सबसे अच्छी बात यह है कि आज अहमदाबाद से अगर हम धोलेरा की तरफ मूव करते हैं तो हमें कम से कम 120 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और हमें कम से कम 1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है। पर जैसे ही ये एक्सप्रेस वे कम्प्लीट होगा तो हमारा ट्रैवल टाइम काफी बच जाएगा और हमें अहमदाबाद से डायरेक्ट धोलेरा पहुंचने के लिए मात्र 50 मिनट लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होगी कि जो कनेक्टिविटी जो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, तो उसके बाद अहमदाबाद से लोग अहमदाबाद से बहुत सारे इन्वेस्टर धोलेरा की तरफ पुश होंगे। और क्योंकि एक DMIC का पार्ट है, क्योंकि इसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, तो दिल्ली से आने वाले इन्वेस्टर, मुंबई से आने वाले इन्वेस्टर, वो भी कहीं ना कहीं धोलेरा की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और बहुत स्पीड से वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक्सप्रेस हाईवे का जो इंपॉर्टेंस है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज अगर बताऊं, ये सिर्फ एक्सप्रेस हाईवे ही नहीं बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे के पैरेलल में गवर्नमेंट एक मोनोरेल कनेक्टिविटी को भी प्लान कर रही है, जो डायरेक्टली अहमदाबाद से धोलेरा तक का होगा। इससे कनेक्टिविटी को और बूस्ट मिलेगा आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से स्मार्ट सिटी ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज अभी आ रही है, तो इस एक्सप्रेस हाईवे एंड मोनोरेल के वजह से स्मार्ट सिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को और भी एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। इसीलिए जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी लैंडमार्क धोलेरा स्मार्ट सिटी के पहले या फिर इस एक्सप्रेस हाईवे के आसपास के हैं, उनके प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है, जितनी भी R&D हमने की है, हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे एक्सप्रेस हाईवे के आसपास की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ साल में आप यहाँ पे 2x, 3x या 5x का ग्रोथ देख पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सप्रेस हाईवे के ही आधे किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट में ही सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान कर रही है, ताकि स्मार्ट सिटी एक प्रॉपर तरीके से विजिबल हो सके। थैंक यू।